हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित। आप देख रहे हो टीएचजी रोहित वाईटी। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ अपकमिंग मिस्ट्री शॉप के बारे में। उसका गाइस फिक्स डेट, फिक्स टाइम, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। साथ ही साथ मिस्ट्री शॉप में कौन सा बंडल आने वाला है और क्या हमारे मिस्ट्री शॉप में इलाइट पास आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, वो सभी चीज़ें आप सभी को इस वीडियो में पता चलने वाली है गाइस। तो वीडियो को प्लीज़ यार लास्ट तक देखना। और हाँ गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करो और अपने शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मिस्ट्री शॉप इंडिया में कन्फर्म आने वाला गाइस, ये मेरे को पता चल चुका है गाइस। तो आप लोगों को मैं बंडल भी दिखाने वाला हूँ, साथ ही साथ बताने वाला हूँ कि इलाइट पास आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला मिस्ट्री शॉप में। तो बड़ा मज़ा आने वाला गाइस। तो सबसे पहले बात करते हैं मिस्ट्री शॉप किस तारीख को आएगा, कौन से डेट को आएगा। तो गाइस, मिस्ट्री शॉप हमेशा गाइस 7 डेज पहले आता है गाइस, मंथ खत्म होने से पहले। तो मंथ खत्म होने से पहले 7 डेज पहले आ जाता है गाइस। तो उस हिसाब से गाइस 24 तारीख को आप सभी को देखने को मिल जाएगा, 24 से लेके 25 या तो 23 को। 3 डेट्स मैं बता रहा हूँ गाइस, 23, 24 और 25, इस तारीख को आपको मिस्ट्री शॉप देखने को मिल सकता है। या तो मिस्ट्री शॉप नहीं देखने को मिले तो आप लोगों को कोई डिस्काउंट इवेंट देखने को ज़रूर मिलेगा गाइस, लेकिन मिस्ट्री शॉप के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस बार बंडल्स भी आए हैं मिस्ट्री शॉप के। तो गाइस, मैं आप सभी को बंडल्स भी दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ गाइस कि हमारे मिस्ट्री शॉप में इलाइट पास आएगा कि नहीं आएगा। तो उस वो इलाइट पास का गाइस इस बार चांसेस हाई है बिकॉज ऑफ 4th एनिवर्सरी। आप सभी को तो पता है कि अभी गाइस इस साल, मतलब इस साल क्या बोल रहा हूँ, इस महीने ही गाइस हमारा इंडिया का 4th एनिवर्सरी होने वाला, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड ये चलने वाला है। थोड़ी बार के 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं गाइस अगस्त में। तो गाइस, इसी खुशी पे हम लोग को गाइस 28 तारीख को, मतलब पीक डे रहने वाला गाइस अपना 4th एनिवर्सरी का। तो उसके अंदर आप सभी को मिस्ट्री शॉप के अंदर इलाइट पास देखने को मिल सकता है गाइस, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है इस बार मिस्ट्री शॉप में इलाइट पास देखने के। तो बात करते गाइस बंडल कौन सा आप सभी को देखने को मिलेगा, जो कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा गाइस। पर्पल कलर का ये बंडल है गाइस और बहुत ही खतरनाक दिख रहा है ये बंडल। आप सभी को कैसा दिख रहा है प्लीज़ मेरे को कॉमेंट में बताओ। मिस्ट्री शॉप के हिसाब से बहुत थाकड़ बंडल है, पर गाइस आप लोग याद रखना ये बंडल बहुत ही मस्त है और ये भी गाइस डिस्काउंट में आएगा। मतलब कि आपको जैसा डिस्काउंट मिलेगा उस हिसाब से इस बंडल पे भी आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। तो गाइस, कैसा लगा आप सभी को वीडियो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना, बंडल कैसा लगा प्लीज़ वो भी बताना। और गाइस, मैंने एक, मतलब कि कल मैं आप सभी को एक वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसमें गाइस आप सभी को क्या पता चलने वाला पता है गाइस। मैं एक रैंडम, मतलब अपने दूसरे आईडी से गया था वर्ल्ड चैट में और मेरे को वहाँ पे एक क्रिमिनल बंडल दिखा गाइस। सीरियसली बात करो, क्रिमिनल बंडल वहाँ पर मेरे को दिखा। तो उसने मेरे को एकदम, मतलब वो बहुत ही बदतमीजी तरह से बात करा था मेरे से। तो मैंने उसको क्या जवाब दिया, प्लीज़ आप लोग कल की वीडियो में ज़रूर से आना और देखना गाइस मैंने उसमें क्या बोला है। तो अभी गाइस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दो, क्योंकि गाइस कल आने वाला है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वीडियो। तो जल्दी जाओ सब्सक्राइब करके रख लो। मिलते हैं फिर एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं फिर, बाय बाय।